Next, have you seen wooden beds in temples? Can you give a reason? क्यों लकड़ी की बेल यूज नहीं की जाती है? The things made of metals produce a ringing sound when struck hard. क्योंकि मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, और जब उसके ऊपर कोई साउंड, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है. बट जो नॉन इलेक्ट्रिसिटी वाले वुड है, प्लास्टिक है, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल. सपोज आप दो बॉक्स लीजिए, एक मेटल का और एक वुडन का. कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्टिकिंग बोथ द बॉक्सेस? सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, तो इससे क्या साबित होता है? अगर वो दोनों बॉक्स को हम आवाज़ तो मेटल के बॉक्स से साउंड निकलेगा. दे आर सेड टू बी स्नोरस. द मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट स्नोरस. एक से साउंड निकलेगा और दूसरे से, जो वुडन बॉक्स है, उससे साउंड नहीं होगा. आफ्टर परफॉर्मिंग द एबो एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, प्लास्टर्स, मेलेबल, डक्टाइल, स्नोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल्स के ये सारी प्रॉपर्टीज होती है. द मटेरियल्स विच जनरली पोसेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल. ऐसे मटेरियल जो ये गुण प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके मेटल कहलाते हैं. और मेटल के एग्जाम्पल हैं आपका आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. इन द कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस. ये हार्ड होते हैं, और सल्फर, कोल ये हार्ड, सॉरी सॉफ्ट मटेरियल होते हैं और डल होते हैं. दे ब्रेक डाउन, आसानी से टूट सकते हैं. इनसे पाउडरी मास तैयार किया जा सकता है. इनको हैमर से पूरी तरह तोड़ दिया जा सकता है. दे आर नॉट स्नोरस, इनसे साउंड नहीं निकलता है. ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं हो सकती. दिस मटेरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. और जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती उनको हम क्या बोलेंगे? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दिस मटेरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, और ये अधातु कहलाएंगे. तो एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स के एग्जांपल क्या है आपके? सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस एक्सेट्रा. मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ. मेटल्स, कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, और इसे कट किया जा सकता है चाकू की सहायता से आसानी से. और जो मर्क्यूरी होती है, पारा जिसको कहा जाता है, एक अकेली मेटल है. इसको याद रखेंगे आप, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. सारी मेटल, सारे मेटल्स किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं. बट मर्क्यूरी एक अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर. दिस आर एक्सेप्शन, और ये अपवाद है. किसमें? मेटल्स में, जो अपवाद फॉर्म में है, क्योंकि सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं और जो मर्क्यूरी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स, जो रासायनिक गुण हैं धातु और अधातु के. रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं. यू आर फेमिलियर विद द फिनोमेन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आयरन के ऊपर जंग लगती है. देखा है आपने, मोस्टली हम देखते हैं कि जितने भी आयरन इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके ऊपर जंग लग जाती है. मोस्टली रेनी सीजन में तो बहुत अधिक होती है. रिकॉल द रिएक्शन विच रस्ट इज फॉर्म. ये रस्ट कैसे बनती है? यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7. इसमें भी आपने रस्टिंग की प्रोसेस पढ़े थे. एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, आपने एक्टिविटी की थी. मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है हवा की उपस्थिति में तो क्या होता है? यूअर हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टैक्स. और इस प्रोसेस में क्या बनता है? ये मेटल्स क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के संपर्क में आकर. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. आयरन और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या रिएक्ट करते हैं, क्या केमिकल रिएक्शन होती है? आयरन, आयरन को हम Fe से शो करते हैं.
plus oxygen O2, Fe plus O2 plus water, साथ में क्या है, water भी है, तो क्या बनेगा आपका, और magnesium plus oxygen, magnesium plus oxygen, तो क्या बन जाएगा, magnesium oxide, ठीक है, MgO2, और ferric oxide FeO2, ठीक है, तो let us check the nature of rust form as a result of the reaction between iron, oxygen and water collect a spoonful oxygen and water, को collect करना है एक spoon के भर आप rust and dissolve it in a very little amount of water, rust को जंग इकट्ठा करना है, उसको पानी में mix करना है, you will find that the rust remains suspended in water, set the suspension well, टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और पानी में उसका घोल बना देना है रस्ट को लेकर के, और ब्लू लिटमस पेपर से फिर उसको चेक करेंगे उस रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, लिटमस पेपर का यूज एसिड और बेस कन्फर्म करने के लिए किया जाता है, तो जब हम इस टाइप का एक्टिविटी करके देखते हैं तो ये एसिडिक शो करेगा कि बेसिक शो करेगा, ये लिया आपने रस्ट सस्पेंशन बनाया वाटर के साथ, ये रेड लिटमस पेपर लिया, रेड लिटमस पेपर के ऊपर वो सस्पेंशन डाला है ना, और ये रस्ट है, जंग है, जंग को इकट्ठा करके हमने वाटर के साथ एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया है, डस कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स, आपने कॉपर के बर्तनों को देखा है उसके ऊपर ग्रीनिश डिपॉजिट मतलब ग्रीन कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं, तो वेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, जब कॉपर के वेसल को लंबे समय तक वो नमी में और हवा के संपर्क में होते हैं तो एंड एक्वेरियस और डल ग्रीन कोटिंग, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की परत आ जाती है, तो द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, वो जो ग्रीन कलर है वो किसका मिक्सचर है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu और हाइड्रोक्साइड OH, तो ये बन जाता है कॉपर हाइड्रेट CuOH ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट, और क्या बनता है CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे होगी, कॉपर प्लस वाटर H2O, ये वाटर है और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो गए आपका मॉइस्चर, जो हवा में नमी होती है वो आपकी मॉइस्चर हो गई, और ये ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस प्लस कॉपर कार्बोनेट CuCO3। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, वैसे ही जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो द एस ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, और उससे राख बनती है जलने के बाद, मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद, इट डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर, और फिर उस राख को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, घोला जाता है और उसमें एसिडिक है या बेसिक है ये पता लगाते हैं, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, और जो मैग्नीशियम रिबन का एस है और वाटर से जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो एसिडिक है या बेस है, हाउ डू यू एक्सक्रेशन दिस, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू, अगर रेड लिटमस काय में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो बेसिक होगा, रेड ब्लू में कन्वर्ट, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो एसिडिक होगा, इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है न कि एसिडिक, तो लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, तो ये हमने किसके ऊपर करके दिया, देखा मेटल्स के ऊपर करके दिया, अब हम यही रिएक्शन इसके ऊपर करके देखेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल हमारे कौन कौन से, सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सारे क्या है आपके नॉन मेटल्स हैं,
तो ये सारी चीज़ें हम किसके ऊपर करके देखेंगे, नॉन मेटल के ऊपर, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या केमिकल चेंजेस देते हैं, कि वो केमिकल चेंजेस होते हैं एसिटिक होंगे या बेसिक होंगे।